वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरी इस वाली वीडियो को। इस वाली वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर ब्रो मानो कि जब 1 पॉइंट जब हम लोग परचेस करने जाते हैं पेनड्राइव तो इसका मतलब क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास अधिकतर जो क्वेश्चन आया 1.5 पॉइंट व्यू का क्या मतलब होता है। सेकेंड क्वेश्चन आया कि सर जब इंडिविजुअल हम सब्जेक्ट को क्या परचेस कर सकते हैं, जैसे कि हमको मैथ का चाहिए तो मैथ का ओनली मैथ का कर सकते हैं, क्या हमें लॉ का चाहिए तो लॉ का कर सकते हैं इंडिविजुअल, हमें कॉम्बो सेट ना लेकर अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का चाहिए तो क्या हम लोग परचेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिला। तीसरा क्वेश्चन ये मिला कि सर जो पेन ड्राइव होती है और जो मतलब इसमें कोई करप्ट होने की या कोई मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। देन इसके बाद ये भी बताऊँगा कि हु इज़ मतलब कौन सी विच इज़ द बेस्ट फैकल्टी, ये भी मैं डिस्कस करूँगा कौन सी फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन और इस लास्ट क्वेश्चन कि मैं इस वीडियो के लास्ट तक आप देखोगे तो आज मैं एक आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक दैट एक ट्रिक है जो आपको मालूम ही होगी बट अधिक मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं होगी, तो वो मैं ट्रिक बताऊंगा आज आपको। तो ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। यदि आप नवंबर 2021 के लिए यदि आप सर्च कर रहे हो कि क्या कौन सी फैकल्टी ले, अगर हम पेनड्राइव ले या लाइव मोड ले तो उस पर क्या ले और ऐसा आप कर रहे हो सर्च, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए सफिशेंटरी है। तो इसमें करना क्या है आपको, 1.5 व्यू का डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 व्यू का अपन डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, एक गलत लिखा 1.5 व्यू, हाँ 1.5 मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को क्या है एक सॉफ्टवेयर देते हैं एसपीसी का मुझे पता है क्योंकि मैंने एसपीसी का परचेस किया तो एसपीसी का मुझे ज़्यादा पता है। उसमें क्या वो एक आपको सॉफ्टवेयर देंगे जिसका नाम है रोयो प्लेयर, जे नाम का एक सॉफ्टवेयर देंगे आपको। सैम्पली आपके लैपटॉप में क्या करना है, इंस्टॉल करना है इस सॉफ्टवेयर को। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ये आपको पेन ड्राइव में ही एवर रहेगा, अलग से इसको डाउनलोड या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेन ड्राइव में ही आपको ये फाइल देंगे। तो आपको क्या करना है लैपटॉप को लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना है। और बहुत से स्टूडेंट का एक क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन आया कि क्या इसमें कुछ लैपटॉप में कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए या कुछ हार्ड डिस्क ऐसी कुछ होना चाहिए, तो नो रिक्वायरमेंट, कम से कम 64 GB आपकी मतलब रैम होनी चाहिए और इसके बाद ऐसी कोई इसमें विशेष स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा और मैंने बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपके ऑल डाउट इस वीडियो से रिलेटेड पूरे क्लियर हो जाए। और यदि आप देखोगे इस वीडियो को जाकर, तो इस वीडियो को जाकर जब आप देखोगे तो आपको देखेगा, जब आप कमेंट में देखोगे तो मैंने सेपरेटली इंडिविजुअल सब कमेंटों का रिप्लाई दिया है, फिर भी यदि किसी को मैंने बताया इसका मतलब यदि उसको समझ में नहीं आया तो आज मैं स्पेशली उसी के लिए ये वीडियो बना देता हूँ, तो जिससे आपके ये प्रॉब्लम तो आई होप पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले नंबर 1.5 व्यू का मतलब क्या है, 1.5 व्यू का जब आप इसमें इंस्टॉल करते हो लॉगिन करते हो तो लॉगिन के लिए आपको उधर जीमेल आईडी पर एक पासवर्ड दिया जाएगा, तो आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जब आप कोई लेक्चर ओपन करते हो तो ऊपर दो चीज़ लिखी आएगी आपकी, पहला आएगा व्यू और सेकंड आएगा टाइमिंग। तो व्यू जो व्यू रहते हैं हालांकि वो रहते हैं 10, इसमें ले अब सर 1.5 व्यू मतलब क्या है, 1.5 व्यू मतलब होता है पहला तो 10 व्यू रहता है, 10 व्यू मतलब उस वीडियो को आपने स्टार्ट किया बीच में छोड़ दिया मतलब आपने क्विट कर दिया, फिर जाके स्टार्ट किया मतलब एक व्यू कम हो गया, फिर जाके चलाया आधा चलाया लाइट चली गई या डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो क्या किया अपन ने क्विट कर दिया, तो जी ऐड व्यू हो गए मतलब ऐसे व्यू घटते जाएंगे। तो जो व्यू देते आपको 10 व्यू देते हैं और 1.5 व्यू और एक होता है 2 व्यू है ना, एक 2 व्यू, तो इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब होता है 1.5 व्यू, जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो आपको मान के चलो एक उदाहरण के एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1 आवर की कोई वीडियो है 1 आवर की, तो 1 आवर की वीडियो यदि आप ऐसे इसमें वाले में परचेस करते हो तो उसको आप कितनी बार देख सकते हो, 1 घंटा तो देख ही सकते हो, मतलब जैसे कि ये मेरी वीडियो मैं बना रहा हूँ आई थिंक 20 मिनट की वीडियो हो गई, तो इस पूरी वीडियो को आप 20 मिनट तक तो देख ही सकते हो,
फिर 20 मिनट की वीडियो पूरी देख ली और फिर भी आपने सोचा यार कहीं पॉइंट मेरा डिस्कस हो गया, उस पॉइंट को दोबारा देखना है, दोबारा देखने के लिए आप इसको आधी देख सकते हो, मतलब 20 में से 10, समझ में आया, 20 में से 10 मिनट तक आप देख सकते हो, फिर आपने आप जो हो जाएगा करप्ट हो जाएगी, फिर जो सीरियल की नंबर मांगेगी मतलब करप्ट हो जाएगी, फिर आप इसको दोबारा चालू नहीं कर सकते। नहीं आया समझ में, एक और बार बताता हूँ। मान के चलो 1 घंटे की कोई भी लेक्चर है, उस लेक्चर को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लिया, फिर 10 दिन बाद अपने दोबारा देखना है यार, एक जो सवाल हमें फिर भूल गए हमें दोबारा देखना है, तो उसके लिए आप जैसे 1 घंटे की वीडियो है तो उसको 30 मिनट तक दोबारा आप फिर से देख सकते हो, चाहे आगे का देख लो 30 मिनट, चाहे पीछे का देख लो, चाहे 20 का 30 मिनट देख लो, तो ऐसा करके आप 1 घंटा 30 मिनट तक उस वीडियो को चला सकते हैं। मतलब 1 घंटे का लेक्चर को आप 1 घंटा 30 मिनट तक, 2 घंटे के लेक्चर को 2 घंटे 30 मिनट तक आप चला सकते हो, मतलब उसका थोड़ा ज़्यादा, नहीं समझे होगे, थोड़ा सा ज़्यादा यार, समझ गया होगे, आई थिंक दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड 2 व्यू मतलब तो बहुत अच्छा है, मतलब 1 घंटे की वीडियो है तो उसको 2 घंटे तक देख सकते हैं आराम से, एक बार देख लीजिए पूरा, फिर दूसरी बार पूरा देख लीजिए, ऐसा आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा सर, एक आपको इसमें अगर आप एसपीसी फैकल्टी से परचेस करते हो, जो मैंने देखी है बहुत अच्छी बात है, मैथ में क्या है, आपको अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे, जी जो व्यू यहाँ 10 है ना, यहाँ अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, क्यों मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है मैथ में एक क्वेश्चन देखना कभी दूसरा क्वेश्चन देखना, तो बार बार व्यू इसमें घटने की कोई भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, तो आई थिंक दैट आप समझ सकते हो। देन इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट किया मैथ का, और मतलब मैथ लॉ वी अकाउंट के इंडिविजुअली परचेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आई थिंक दैट चारों और सही सब्जेक्ट होते हैं, 21,000 के मैंने परचेस किए थे, सो आई थिंक दैट जब मैंने देखा था तो 5,000 का इंडिविजुअल मैथ है अकाउंट है, और यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, एक मतलब एक चीज़ बताऊंगा लास्ट तक वीडियो देखने वालों के लिए करेगी। देन इसके बाद आपको बताता हूँ, तो इसका प्रॉब्लम क्लियर हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आ रही थी इसमें, फैकल्टी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो फैकल्टी से रिलेटेड मतलब कौन सी फैकल्टी अच्छी है, कौन सा मोड अच्छा है, ऑनलाइन पेन ड्राइव लाइव, तो इसमें जी आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिनिंग आपके ऊपर डिटर्मिनेशन और कितना आप कमिटमेंट को फॉलो करते हैं, ओके ये आपके लिए फॉलो करता है। यदि ऑनलाइन लाइव मोड लेते हो तो लाइव मोड में क्या है, फिर आपको उसका डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है कि इतने टाइम पे इतने टाइम तक आपको फॉलो करना पड़ेगा, और पेंडे आप रहते हो तो आप खुद के राजा बन जाते हो, जब देखना है जब देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, ऐसा राजा बन जाते हैं, तो आप लोग सोचोगे फिर तो एक काम करो ना, मतलब लाइव लो पेंडे आप में अपन कर पाए नहीं कर पाए, नहीं सर पेंडे आप में भी बहुत से स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं, तो ऐसी नहीं है पेंडे आप बेकार चीज़ है, पेंडे आप और अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें कभी भी बीच में वीडियो रुकती नहीं है, कोई वीडियो कोई लेक्चर ऐसा नहीं होता कि सर आज अवेल नहीं हो पाएगा, आज लेक्चर नहीं हो पाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, तो आई थिंक दैट मैं समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेंडेम मोड इज़ द बेस्ट मोड, सबसे अच्छा, ना नेटवर्क इशू ना लाइट इशू ना कुछ इशू, सीधा आपको तो देखना है वीडियो को कंप्लीट। अब ऑनलाइन देखते हो लाइव देखते हो तो उसमें आपके बहुत से तरह की इशू आती है, लेकिन कई स्टूडेंट को वो भी अच्छा लगता है, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको अच्छा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या अच्छा लगता है पेंडेम मोड। फिर इसके बाद आपको फैकल्टी के बारे में बता रहा था कि क्या फैकल्टी अच्छी, कौन सी फैकल्टी अच्छी है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑल फैकल्टी अच्छी है। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो जी आप, स्लो को मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल फैकल्टी अच्छी है क्योंकि अपने सबको समझाने वाला चाहिए, अपने मतलब जैसा अपन समझना चाहते हैं वैसा समझाने वाला हो, चाहे वो कोई हो, चाहे उसकी फैकल्टी हाई लेवल पे हो, चाहे उसकी फैकल्टी मिनिमम मतलब थोड़े लो लेवल पे हो, लेकिन अगर किसी टीचर का आपका समझ में आ रहा है तो उस टीचर को आप प्रीफर करें, फैकल्टी देखकर कभी प्रीफर ना करें कि ये फैकल्टी हायर है इंडिया में टॉप पे है तो चलो अपन इस फैकल्टी पे ज्वाइन हो जाते हैं, नहीं, जिस फैकल्टी का आपको समझ में आ रहा है। जब मैंने एसपीसी को चूज किया था तो मैंने पहले उनके पूरे डेमो देखे थे और वो भी 20-20 लेक्चर जो डेमो उनके डरे है यूट्यूब चैनल पे, स्वप्ने पाटनी यूट्यूब चैनल पे नाम पे, तो मैंने उनके 20-20 लेक्चर एवरी टीचर के देखे थे, मुझे जैसा समझना था समझाने वाला चाहिए था मुझे मिल गया था, मैंने कहा मैं ये ही प्रीफर करूँगा। देन
मैंने परचेस कर लिए। आपको जो आपको फैकल्टी अच्छी लगे, बहुत सी फैकल्टियाँ अन अकेडमी पर जाओगे तो बहुत फैकल्टी मिल जाएगी आपको। बर्न बर्न नोट एक नाम की फैकल्टी है, बर्न पेड कौन सी है एक मतलब नाम की फैकल्टी है, तो अलॉट ऑफ फैकल्टी है। लेकिन जिस फैकल्टी को आपको समझ में आता है उस फैकल्टी पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आती है टेक। इसमें मैं एक SPC के एक फैकल्टी के सर्विस सेंटर का एक नंबर दूंगा जो मेरे पास है, जिससे मैं आए दिन बात करता रहता हूँ। मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर पे सॉल्व हो जाती है, वो भी मैक्सिमम 10 से 20 मिनट में सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो वो नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में बता दूंगा आपको। तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दे और फिर शेयर कर दे जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो उस नंबर पे आप कॉल करके सब डिस्कस कर सकते हो और आप मिनिमम 1 घंटा तक डिस्कस कर सकते हो। जब मैंने परचेस किए थे ना 5 बार कॉल किया था, कितनी बार 5 बार कॉल करके आई थिंक मैंने कोई किसी को परेशान नहीं किया। मैंने जितनी प्रॉब्लम आई थी सब डिस्कस की कि ये व्यू क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, फैकल्टी क्या होता है, कैसा HD में आएगी जे और वो। हाँ एक और डिस्कस कर देता हूँ कि जो क्वालिटी रहेगी ना एकदम HD रहेगी, मतलब आपको कहीं से कहीं नहीं लगेगा कि कोई ब्लर मार रहा है या कुछ हो रहा है, एक नंबर। और यदि आप मेरे पास थोड़ा टाइम होता ना तो मैं ज़रूर आपको लैपटॉप में मेरे करके बताता कि ये व्यू और ये टाइम। और यदि आप मतलब इस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा इच्छुक हो तो आप कमेंट करके करो। अगर कमेंट मेरे अकॉर्डिंग आई तो 101% मैं उस लैपटॉप को रिकॉर्डिंग करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाएगी। तो आई थिंक दैट पूरे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। उसके लिए भी मैं इंडिविजुअली, अगर लगेगा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं इंडिविजुअली कोई भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ जितने हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें, क्योंकि इसमें मैंने CA फाउंडेशन का, अभी तो मैं CA फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा जब तक कि ये जून 21 के पेपर नहीं हो जाते। जब तक इस चैनल पर CA फाउंडेशन से रिलेटेड आपको टेस्ट से लगा के आपको और सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स है और टॉपिक है और आपके BCK है, BCR है और सब्जेक्ट की आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट की आपको टिप एंड टेक आपको देता रहूंगा। जो मुझे समझ में आता जाएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा, जिससे क्या होगा मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी नॉलेज, एज वेल एज आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब प्लीज़।